हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी फेमस पोएम बिर्चेस, रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ही वॉज ए ग्रेट नेचर पोइट. इंट्रोडक्शन. रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉट बिर्चेस बिटवीन 1913 एंड 1914. He published the poem in the Atlantic Monthly August issue in 1915. The poem was later included in Frost's third collection of poetry, Mountain Interval, consisting of 59 lines of blank verse. The poem features a speaker who likes to imagine that the region ice-covered birch trees are stooped is that a young boy has been climbing them and swinging to the ground while holding on to the flexible tree top. This is something the speaker once did as a child, and this turns the poem into a nostalgic celebration of youthful joys, while also juxtaposing childish spontaneity with the more serious mundane realities of adulthood. Now the poet has grown up, but he wants to live his childhood once again, and he expresses his feelings through this poem. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. व्हेन आई सी ब्रिजेस बैंड टू लेफ्ट एंड राइट. पोइट एक ब्रिज नाम के पेड़ के बारे में बता रहा है, जो कि 50 फीट लंबा होता है लगभग. तो जब मैंने उन ब्रिजेस पेड़ों को लेफ्ट और राइट में झुके हुए देखा, अक्रॉस द लाइंस ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज, क्योंकि वो एक स्ट्रेट, वो पेड़ बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, एक लाइन के रूप में थे, मतलब उन पेड़ों की लाइनें लगी हुई थी और बिल्कुल सीधे खड़े हुए थे, लेकिन अब वो बेंड हो चुके थे. आई लाइक टू थिंक सम बॉयज़ बीन स्विंगिंग देम. तो फिर मैंने सोचा कि शायद कोई लड़का जो है उन पर उसने स्विंग किया होगा, उन पर झूला होगा, उन पर लटका होगा. बट स्विंगिंग डजंट बेंड देम डाउन टू स्टे. लेकिन स्विंगिंग से, किसी लड़के के उस पर स्विंग करने से वो इतने, मतलब वो बेंड तो होएगा लेकिन वो फिर सीधा हो जाएगा अगर कोई उस पर स्विंग करेगा तो केवल स्विंग करने से वो इस तरीके से झुके हुए नहीं रह सकते. तो जो पोइट है वो अपने आप से वो बातें कर रहा है कि ये पेड़ों पे शायद पहले वो इमेजिन करता है कि शायद कोई लड़का इन पर झूला होगा, बट बाद में वो सोचता है कि केवल झूलने से ये पेड़ इतने लंबे समय तक ऐसे झुके हुए नहीं रह सकते हैं, एज आइस स्टॉर्म्स दो, जैसे कि बर्फ़ के तूफान कर सकते हैं. क्योंकि पेड़ों पर अगर लंबे समय तक बर्फ जमी रहेगी तो पेड़ फिर झुके ही रह जाते हैं. ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम, अक्सर तुमने देखा होगा. लोडेड विद आइस ए सनी विंटर मॉर्निंग, वो आइस से लोडेड रहते हैं एक सनी विंटर मॉर्निंग में, कि सारी रात बर्फ गिरती है तो वो जो पेड़ हैं वृक्ष के वो वजन के कारण झुक जाते हैं. After a rain, बारिश के बाद. They click upon themselves as the breeze rises. They click, they आया है यहाँ पर आइस के लिए, कि जो आइस है वो क्लिक होती है, चटकती है, चटकने की आवाज़ आती है themselves अपने आप ही, जब as the breeze rises, जैसे ही हवा चलती है, धूप निकलती है, हवा चलती है तो वो आइस जो पेड़ों पर जमी हुई है वो चटकने लगती है, मेल्ट होने लगती है.
टर्न मैनी कलर्स एज द स्टिर क्रेक्स एंड क्रेजेस देयर इनेमल्स। और जैसे ही वो आइस जो है वो इनेमल का मतलब ग्लासी परत, अपनी ग्लासी परत को हटाती है, चटकती है, उसमें दरारें आती है, तो फिर उसमें से वो कई कलर्स में चेंज हो जाती है। सून द सन्स बार्मथ मेक देम शेड क्रिस्टल शेल्स। और बहुत जल्दी जैसे ही सूरज उगता है, धूप खिलती है तो, और सूरज गर्म होता है तो सूरज की गर्मी से मेक देम शेड, वो आइस जो है मेल्ट होने लगती है। शेड का मतलब मेल्ट होना, वो क्रिस्टल शेल जो है आइस की वो मेल्ट होने लगती है। एंड शेटरिंग एंड अवलैंचिंग ऑन द स्नो क्रस्ट। और वो आइस जो है वो बिखरने लगती है एक टूटे हुए ग्लास के टुकड़े की तरह, जैसे कि कोई कांच का ग्लास है वो ऊपर से गिरता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं। वैसे ही जो आइस है वो हवा के चलने के कारण और धूप के निकलने के कारण वो आइस मेल्ट होती है, स्कैटर होती है, मतलब मेल्ट होती है और क्रैक होती है, और वो क्रैक होकर के वो स्कैटर होने लगती है, इधर उधर फैल जाती है। सच हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे। और इस प्रकार से ये जो कांच के टुकड़े की तरह वो आइस है जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होती जाती है। यू हैड थिंक द इनर डूम ऑफ हेवन हैड फलन। और तुम सोचोगे कि जो हेवन का इनर डूम है वो गिर रहा है। जब वो आइस गिरती है तो उसकी आवाज़ को सुनकर के ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो जो हेवन का इनर डूम है वो गिर रहा है। दे आर ड्रैग्ड टू द विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड। और ड्रैग्ड का मतलब दबाया गया, क्योंकि वो जो पेड़ हैं वो दबा दिए गए हैं विदर्ड ब्रेकन बाय द लोड, वजन के कारण। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, और ऐसा प्रतीत होता है वो नहीं टूटेंगे। दो वंस दे आर वोड, कि वो भले झुक जाएंगे लेकिन वो पेड़ नहीं टूटेंगे। सो लो फॉर लॉन्ग, और इतने लंबे समय तक वो नीचे झुके रहेंगे लेकिन वो नहीं टूटेंगे। दे नेवर राइट देमसेल्फ, और अब वो अपने आप को सीधा भी नहीं कर पाएंगे वो पेड़, मतलब जैसे स्ट्रेट वो पहले खड़े रहते थे वैसे अब वो खड़े भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी वो टूटेंगे नहीं। यू मे सी देयर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड, तुम देख सकते हो कि उनका जो ट्रंक है वो आर्क, मतलब एक इंद्रधनुष के शेप में दिखेगा जंगल में। यस आफ्टरवर्स, कई वर्षों के बाद भी वो इसी स्थिति में रहेंगे। ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, अपनी पत्तियों को नीचे जमीन पर गिरा रहे होंगे। कैसे गिरा रहे होंगे, पोइट ने यहाँ पर सिमिली का यूज़ किया है। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन, कि जैसे लड़कियाँ अपने हाथों और अपने घुटने के बल झुकती है एंड थ्रो देयर हेयर, और अपने बालों को नीचे कर देती है, बिफोर देम ओवर देयर हेड टू ड्राई इन द सन, धूप में अपने बालों को सुखाने के लिए हाथ और घुटनों के आगे उन बालों को कर देती है। वैसे ही ये पेड़ जो है काफ़ी लंबे समय तक इन पर बर्फ रहने के कारण ये झुक गए हैं और एक आर्क बना रहे हैं, और कैसा आर्क बना रहे हैं, जैसे लड़कियां करती हैं अपने बालों को सुखाने के लिए धूप में। बट आई वॉज गोइंग टू से, मैं जो कहने जा रहा हूँ, बट When truth broke in, लेकिन बीच में truth आ गया है, सच्चाई आ गई है, मतलब मैं कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन बीच में ये बात आ गई। कौन सी बात, लड़कियों के बाल सुखाने वाली बात। With all her matter of fact about the ice storm, मैं तो उस आइस स्टॉर्म के बारे में बातें कर रहा था। I should prefer to have some boy bend them, मतलब
मैं ये ज़्यादा मानूंगा कि शायद कोई सी लड़के ने उनको उन वृक्ष के पेड़ों को झुका दिया होगा। एज ही बेंट आउट एंड इन टू फेच द काउस, क्योंकि वो लड़का बाहर गया होगा जंगलों में काउस को चराने के लिए। टू फेच का मतलब चराने के लिए। सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, और कोई लड़का शहर से दूर इन देहाती गांवों में बेसबॉल सीखने के लिए वो जंगलों में बाहर गया होगा। हुज़ ओनली प्ले वॉज दैट ही फाउंड हिमसेल्फ, और उसका केवल जो गेम होगा वो ये नहीं कि जो आजकल सिटीज़ में होता है वो नहीं, उसने जो सामने देखा होगा वही उसका गेम बन जाता है। तो उसने सामने क्या देखा होगा, ये वृक्ष के पेड़ों को देखा होगा। विंटर समर और विंटर, चाहे गर्मी का टाइम हो चाहे सर्दी का टाइम हो, एंड कुड प्ले अलोन, और वह अकेला ही इन पेड़ों से खेलता होगा। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, और एक एक करके उसने इन पेड़ों की टहनियों को मोड़ दिया होगा, क्योंकि ये उसके फादर के ही पेड़ थे। वाई राइडिंग देम वो डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, कैसे उसने मोड़ दिया होगा इन पेड़ों की टहनियों को बार बार उनके ऊपर चंड करके। तो ये थी स्टार्टिंग लाइंस बिचेस पोएम की, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। पोइट यहाँ पर जो है वो बिचेस पेड़ों को झुका हुआ देखता है, तो वो इमेजिन करता है कि क्या कारण रहा होगा इन पेड़ों के झुके रहने का। तो फर्स्ट वो इमेजिन करता है कि शायद कोई लड़का होगा जो इन पर बार बार झूलता होगा, तो उसने इन पेड़ों को झुका दिया है। लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं, केवल एक लड़के के इन पर झूलने से ही ये पेड़ झुके नहीं रह सकते हैं, इनका कोई दूसरा कारण होगा। तो फिर वो कहता है कि बारिश, सारी रात बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, आइस गिरी है, तो शायद हो सकता है कि इन पर लंबे समय तक आइस गिरने के कारण ये पेड़ झुक गए होंगे। तो इस प्रकार से जो पोइम है इसका स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।